हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए चॉकलेट कपकेक्स विद आइसिंग। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों का फेवरेट है। ये आप बर्थडे पार्टी या किट्टी या कोई भी घर में छोटे मोटे फंक्शन में आप ये बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट कपकेक्स विद आइसिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना और कुक एंड बेक विद मोना में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए बनाते हैं। ऑफिस बनाने के लिए हम ले लेंगे लाइनिंग। ये मैंने कपकेक्स लाइनिंग ले लिए है डिस्पोजेबल। आप चाहे तो नॉर्मल मफिन्स लाइनिंग भी ले सकते हो। तो मैंने ये ट्रे पे लगा दिए। लूंगी एक बॉल और उसके ऊपर डालूंगी स्ट्रेनर्स। और अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लूंगी। तो मैंने इसके लिए लिया है मैदा। मैदा मैं ले लूँगी 150 ग्राम्स। उसको स्ट्रेनर्स में डाल देंगे, छन्नी में डाल देंगे। उसके बाद लेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर हम ले लेंगे 30 ग्राम्स। कोई भी कोको पाउडर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लेंगे पाउडर, हाफ टी एस पी बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और इसको भी स्ट्रेनर्स में छानने के लिए डाल देंगे। उसके बाद लेंगे हम बेकिंग सोडा। ये मैंने 1 TSP बेकिंग सोडा लिया है, ये भी डाल देंगे। और अब मैं ले लूँगी 1/4 TSP सॉल्ट। इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छन्नी से छान लेंगे। तो जब भी हम कोई भी केक या कोई भी बेकरी का आइटम बनाते हैं तो उसको हम स्ट्रेनर से छान के बनाते हैं। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। कोई भी स्पैचुला या आप कोई भी स्पून ले करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद अब हम बना लेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए मैं ले लूँगी 200 ml दूध। ये मैंने वार्म मिल्क लिया है। और बटर मिल्क बनाने के लिए इसमें या तो विनेगर डाल सकते हैं या हम लेमन, जो नॉर्मल घर में नींबू होती है उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी विनेगर। ये मैंने 1 TSP विनेगर डाला है। इसको डाल के 5 मिनट्स तक हम रख देंगे, हमारा बटर मिल्क बन जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे एक बॉल वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो हम ये हमारा बटर मिल्क बन गया है, ये मैंने पहले ही रख लिया था। और इस बटर मिल्क को मैं डाल लूँगी इस बॉल में। और अब इसमें हम मिक्स करेंगे ऑयल को। ये मैंने ऑयल ले लिया है इसमें 80 ml। कोई भी ऑयल ले सकते हो आप, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें चॉकलेट एसेंस। चॉकलेट एसेंस मैंने 1 TSP डाला है। और इसमें अब डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो शुगर मैंने ले लिया है इसमें 80 ग्राम्स। अब मैं इन सारी चीज़ों को विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा जो चीनी जो है चीज़ों के साथ बाकी चीज़ों के साथ घुल ना जाए। ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे ऐसे 3 पार्ट्स में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो है बैटर रेडी हो चुका है। अब इस बैटर को हम डाल देंगे पैकिंग बैग में। लाइंस में हम बैटर को 3/4 तक डालेंगे। सारे कप लाइनिंग्स
ऐसे ही फिल कर देंगे 3/4 तक। ओवन का टेम्परेचर हम 180 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे और 30 मिनट्स तक हम बेक करेंगे मफिन्स को। ये हमारा चॉकलेट कपकेक बेक हो चुका है। अब हम उसे आइसिंग कर लेंगे चॉकलेट गनाश से। तो आप देख रहे हो कि ये कितना यम्मी फजी और चॉकलेटी है। तो आप भी ऐसे ही घर पे बनाइए चॉकलेट कपकेक और उसको आइसिंग कीजिए गनाश से। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।